2024 के चुनाव के लिए जनता कर रही है कांग्रेस के लिए तैयारी, ये कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के दौरान गांव गांव पहुंच रहे कांग्रेस पार्टी के नेता जनता के बीच 2024 चुनाव का भविष्य टटोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जहां हरियाणा सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रखा जा रहा है, तो वही बड़े वायदे भी जनता के सामने किए जा रहे हैं। वही आने वाले चुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन किए जाने के मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी की स्थिति को सभी 90 विधानसभाओं में मजबूत होने के दावे किए हैं और अकेले हैं चुनाव में उतरने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग वर्तमान सरकार से परेशान है और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत वे जनता के भविष्य को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के द्वारा काफी सारे संकल्पों के साथ जनता के बीच पहुँचा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का देश भर में कार्यक्रम है देशवासियों के सामने और खास तौर पर हरियाणा में हम ये कार्यक्रम प्रदेशवासियों के सामने। भाजपा की जो सरकार है, जिस सरकार से आज जनता त्रस्त है, उनकी विफलताओं को लोगों के सामने रख के और भविष्य में बदलाव हरियाणा में आए ताकि हरियाणा दोबारा से विकास की पटरी पर आए, खुशहाल भविष्य की तरफ हरियाणा के नौजवान के भविष्य को दिशा मिले, ये हम लोगों के बीच में बात अपना संदेश लेके जा रहे हैं और गांव स्तर पर इसकी सभाएं पूरे प्रदेश में की जा रही हैं। आपने कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो संकल्प सूची जारी कर दी है, लेकिन मुख्य संकल्प की सूची कब तक जारी? देखिए, ये धीरे धीरे प्रक्रिया है, ये तो जो है धीरे धीरे आप देख रहे हैं, कभी डेलीगेट्स की बात हो चाहे इसकी बात हो, और ये हमारी प्रक्रिया चल रही है। हरियाणा बजट आने वाला है तो क्या असर है कांग्रेस? ये सरकार अपना बजट पेश कर रही है, हरियाणा सरकार लगभग आप इसको अंतिम पूर्ण बजट आप मानिए हरियाणा का, क्योंकि अगले साल बजट आएगा तो भी वो इलेक्शन ईयर होगा और उसमें पूरा एक साल का बजट सरकार नहीं दे सकती अगले साल, तो अंतिम पूर्ण बजट इसका इस सरकार का ये जो रहेगा। और हमारा जो है सरकार से आग्रह है कि बराए मेहरबानी कम से कम 9 साल इस सरकार ने हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। आज महंगाई की चपेट में हर घर हर परिवार महंगाई की चपेट में है, आज किसान परेशान है, आज प्रदेश में गरीब आदमी आज परेशान है सरकार से, कर्मचारी परेशान है, आज बेरोजगारी में देश में सबसे आगे हरियाणा है। ऐसा बजट लेके आए कि ये जो आज हरियाणा की इतनी दुर्दशा हुई है उसमें कुछ ना कुछ मलम लगे, ऐसा हम सरकार से कहना चाहते हैं। भाजपा ने मिशन 2024 शुरू कर दिया कांग्रेस? हमारा तो लोगों ने शुरू कर रखा है, हरियाणा के लोगों ने मिशन 2024 शुरू कर रखा है कांग्रेस के पक्ष में। अभी एक चर्चा चल रही है कि इनेलो का कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है, कांग्रेस को कोई आवश्यकता नहीं है, हम 90 की 90 सीटों पे बहुत मजबूत हैं। इस प्रकार की बातें मैं समझता हूँ कि जो है मेरे को कोई ऐसी इन परिस्थितियों में इस तरह की बातों की कोई गुंजाइश मुझे नहीं दिखाई देती। नई पार्टी खड़ी करने की बात कही जा रही है, आप कैसे देखते हो उसको, कहाँ तक आप लोगों को भी कहीं नुकसान होने वाला है क्या है? तो अपना जो है ये अब वो तो प्रजातंत्र है, सबको जो है अपने स्वतंत्रता है, बाकी आपको भी पता है हमें भी पता है। विधानसभा में कौन से मिशन को लेकर आगे चल रही सरकार? देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रदेश हरियाणा प्रदेश के भविष्य को बचाने की बात लोगों के बीच में हम लेके जा रहे हैं। आज इस सरकार ने हर वर्ग को प्रताड़ित किया, हर वर्ग को सड़क पर लाने का काम किया है, ऐसे में हमारे कई संकल्प है कि और यही हाथ से हाथ जोड़ो यानी कि किसान को स्वाभिमान से सम्मान से MSP गारंटी से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो यानी कि कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो यानी कि सबसे ज़्यादा देश में बेरोजगारी का सामना कर रहे नौजवान को रोजगार से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो यानी कि बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक 6,000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो यानी कि महंगाई का चक्कर हरियाणा में तोड़ो और हरियाणा में हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो यानी कि गरीब आदमी को आर्थिक विकास से आर्थिक समृद्धि से जोड़ो, 100-100 गज के प्लॉट की जो योजना इन्होंने बंद कर दी, गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट और ऊपर उसमें सरकारी खर्चे से बने 2 कमरे के मकान से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो यानी कि गांव शहर को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो जो कांग्रेस सरकार में देखा गया था और हरियाणा को उज्ज्वल भविष्य जोड़ो, ये हमारे संकल्प हैं जिनको लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा हरियाणा में कानून व्यवस्था न होने की बात भी कही गई। उनके द्वारा कहा गया कि वर्तमान सरकार के दौरान कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है और खट्टर सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने में सबसे विफल सरकार गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में भी बताया गया है। आज कानून व्यवस्था में मैं नहीं कह रहा,
भारत सरकार, गृह मंत्रालय कह रहा है कि खट्टर सरकार सबसे विफल साबित हुई है। सबसे ज़्यादा आज अगर कानून व्यवस्था, मर्डर रेट, महिलाओं के उत्पीड़न का क्या रेट, बार बार जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के फेलियर के बाद फोर्सेस का दुरुपयोग अगर कहीं हुआ है ये तो हरियाणा के अंदर हुआ है। ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आई है, क्योंकि जब ये बेरोजगारी की रिपोर्ट आती है तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये की प्राइवेट एजेंसी है। तो क्या गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री जी आपके खिलाफ हो गया, आप बताइए।